तमाशा बना दिया कि किसी का घर बुलडोजर से तोड़ देंगे। क्यों आग बबूला हुए पटना हाईकोर्ट के जज? ऐसा कौन पावरफुल आदमी है जो आप बुलडोजर लेके तोड़ दिए इसका? आखिर क्यों लगाई बिहार पुलिस को फटकार? पटना में जो जमीन कब्जा और लोगों को लैंड माफिया से जिसका जमीन कब्जा में आप लोग जो एजेंट बने हुए हैं ना, दिस हैज टू बी स्टॉप। मामला पटना में एक महिला के घर पर कथित रूप से बुलडोजर चलाए जाने का है। आरोप है कि भूमि माफियाओं के इशारे पर जमीन खाली करने के लिए उसके परिवार के सदस्यों पर झूठा मामला भी दर्ज किया गया। पटना हाईकोर्ट में जस्टिस संदीप कुमार की पीठ ने जब मामले की सुनवाई की तो पटना पुलिस को जमकर फटकार लगाई। पीठ ने कहा कि इस तरह की पुलिस और आपराधिक मिलित भगत ने अदालतों का मजाक बना दिया है। क्या यहाँ भी बुलडोजर चलने लगा? ऐसा कौन पावरफुल आदमी है जो आप बुलडोजर लेके तोड़ दिए इसका? Whom do you represent? The state or some private persons? तमाशा बना दिया कि किसी का घर बुलडोजर से तोड़ देंगे। कौन है ये संजय सिंह रेस्पोंडेंट जिसके कहने पर आपने किया है? हुई थी सम लैंड माफिया और समवन। आपको बता दें कि पटना के विजयनगर स्थित अगमकुआ पुलिस स्टेशन के थाना प्रभारी के खिलाफ एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी। उसने आरोप लगाया था कि भूमि माफियाओं के इशारे पर जमीन खाली कराने के लिए उसके परिवार के सदस्यों पर झूठा मामला दर्ज किया गया। उनके कहने पर अगमकुआ पुलिस ने घर भी तोड़ दिया। कोर्ट में शिकायत के बाद थाना प्रभारी ने जवाबी हलफनामा दाखिल किया था। जस्टिस संदीप कुमार की पीठ ने कहा कि पहली नजर में ऐसा लगता है कि राज्य पुलिस ने कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना घर को अवैध रूप से ध्वस्त कर दिया। विवादों को चिन्हित कर थाना को ही पावर दे दिया गया एग्जीक्यूशन करने का। आपका समस्या है तो चले जाइए थाना, पैसा दे दीजिए और घर तुड़वा दीजिए किसी का। कोर्ट को बंद कर दीजिए, सिविल कोर्ट को। पीठ ने याचिकाकर्ता को आश्वासन दिया कि वो याचिकाकर्ता की सुरक्षा के लिए है। इसके बाद कोर्ट ने FIR पर रोक लगा दी और पुलिस को मामले में याचिकाकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों को गिरफ्तार करने से रोक दिया। जस्टिस संदीप ने याचिकाकर्ता से कहा कि घर टूटने पर जो हानि हुई उसके लिए कोर्ट पुलिस अधिकारियों की जेब से 5-5 लाख रुपए दिलाएगी। मैडम तैयार होके आइए उस दिन, 5-5 लाख सबसे हम दिलवाएंगे इनको घर तोड़ने का मुआवजा पर्सनल पॉकेट से। जनता दरबार अब पुलिस और CO मिलकर घर तुड़वा रहा घूस लेकर। कोर्ट ने राजस्व विभाग और पुलिस अधिकारियों को अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए तलब किया है। सुनवाई की अगली तारीख 8 दिसंबर तय की गई है। व्यापारियों और IPS अधिकारी के बीच जमकर हुई नोकझोंक। किसी अधिकारी से आठ उठा के अगर आप लोगों ने बात करी, मैं बख्शूंगी नहीं। I am no enforcement. तस्वीरें उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की हैं। इसमें दिख रही IPS अधिकारी अनुकृति शर्मा हैं। दरअसल शनिवार को पुलिस की टीम अंसारी रोड पर अतिक्रमण हटवाने पहुंची थी। टीम की अगुवाई ASP अनुकृति शर्मा और सिटी मजिस्ट्रेट मीनू राणा कर रही थी। रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ व्यापारियों पर शुरुआत में चालान की कार्रवाई की गई, तो व्यापार मंडल के व्यापारी भड़क गए और जमकर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। अतिक्रमण हटाने के विरोध में व्यापारी बाजार बंद कर वहीं सड़क पर बैठ गए, जिसके बाद व्यापारियों और पुलिस अधिकारियों के बीच जमकर बहस हुई। हालांकि उनका लहजा बातचीत का कम और धमकाने वाला ज्यादा लग रहा है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें ASP ये कहती हुई सुनी जा सकती हैं कि आपने अगर मेरे किसी अधिकारी से आंख उठाकर बात की तो मैं बख्शूंगी नहीं। मेरे किसी अधिकारी से आंख उठा के अगर आप लोगों ने बात करी, मैं बख्शूंगी नहीं। I am no enforcement. I am all for the स्थानीय व्यापारियों ने पुलिस अधिकारी पर मनमानी का आरोप लगाया है। रिपोर्ट्स की माने तो फिलहाल ये मामला शांत हो गया है।
राजस्थान में कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। राजस्थान प्रोटेस्ट हालिया गोलीबारी के खिलाफ हुआ, लेकिन आक्रोशित प्रदर्शनकारियों की मौजूदगी के कारण विरोध हिंसक हो गया। राजस्थान के सीकर में सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने बैरियर तोड़ डाले। उग्र प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सड़कों पर लगाए गए अवरोधों को भी उखाड़ फेंका। प्रदर्शनकारी राजू ठेहाट के परिवार को सुरक्षा और सरकारी नौकरी देने की मांग कर रहे हैं। आक्रोशित लोग मृतक ताराचंद के परिवार को तत्काल आर्थिक मदद मुहैया कराने की भी मांग कर रहे हैं। सीकर में विरोध प्रदर्शन के दौरान सांसद हनुमान बेनीवाल भी दिखे। आपको बता दें कि सीकर में दिनदहाड़े हुए गोलीकांड के बाद आरएलपी चीफ और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल रविवार को सीकर पहुंचे और विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन भी किया। सनसनीखेज घटना का विरोध करते हुए राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा है। देखिए, जो प्रमुख मांगे थी मुलजिमों की गिरफ्तारी के बाद 120 वीक के अंदर जो मुलजिम बढ़ रहे हैं, कुछ नेताओं के नाम आ रहे हैं जिनके वहां से मुलजिमों को संरक्षण दिया गया, वो सारी चीज हमारी खुल के बात होगी, ऊपर भी बात होगी हमारी, और आईजी एसपी खुद जांच करेंगे, आईजी की मॉनिटरिंग में एसपी खुद जांच करेंगे, उन सबको ले आएंगे, पूरा नेटवर्क जो नेक्सस है उसको खत्म करेंगे, दोबारा इन घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, और बच्ची जो ताराचंद कड़वाथरा की बच्ची है उसको पूरी शिक्षा राजस्थान की सरकार और मिलकर सारे लोग उसको मुफ्त शिक्षा सरकारी कॉलेज में उसका एडमिशन 5 लाख अलग से कंपनसेशन और व्यवस्था करेंगे ज्यादा क्या बेस्ट सर तीसरा चौथा जो भी हमारी डिमांड थी तो कम्प्लीट कैलाश जो सैनिक की चोट लगी है उसको 50,000 रुपए और उसका पूरा इलाज सरकारी सहायता कॉलेज के अमाउंट और वो तो पूरा हो जाएगा ना, सारी फ्री है ना सरकार की तरफ से, ठीक है, हो गई करीब करीब जो मांगे थी दोनों परिवार और राजू के पूरे परिवार को सुरक्षा, 1-4 की गार्ड दोनों जगह और हर गवाह को 2-2 गनर मिलेंगे जो गवाह है इसके अंदर, फास्ट ट्रैक में जल्दी इसका डिस्पोजल कराएंगे, इस कड़ी को तोड़ेंगे, दोबारा ऐसी घटनाएं नहीं हो इसके लिए सरकार सख्त एक्शन लेगी इस मामले में, एक प्लान बना के और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आगे भी प्रयास करेगी कि राजस्थान भयमुक्त अपराध मुक्त हो, ऐसी घटनाएं दोबारा राजस्थान के अंदर नहीं हो जिससे किसी निर्दोष को इस तरह अपनी बच्ची से मिलना है और जान से हाथ तोड़ना पड़े। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, पूरे देश ने इसकी निंदा करी और इसके अंदर यहाँ जो नौजवान लंबे समय संघर्ष करें और तमाम पार्टियों के नेतागण जो इस कार्यक्रम में आए, मैं सबको धन्यवाद भी दूंगा कि उन्होंने अपना सब लोगों ने सर्व छोड़ के काम और यहाँ चुनाव भी थे सारा काम था छोड़ के तमाम पार्टियों के नेतागण यहाँ बैठे, मैं सबको धन्यवाद देता हूँ और सर्व समाज को धन्यवाद देता हूँ कि इस आंदोलन में हमारे साथ रहे और सरकार को झुकाया। राजेंद्र बुड्ढा भी इल्जाम लगाया है कि उन्होंने उनको संरक्षण दिए उसके बारे में क्या, वो जांच कर रहे हैं, देखिए कोई भी हो चाहिए अगर जांच में पाया गया तो जेल में जाएगा, कोई हो मैं कह रहा हूँ जांच के अंदर अगर कोई भी आएगा कितना ही बड़ा आदमी हो उस सलाखों के पीछे जाएगा।